अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शिर्कस्तान चैनल पर आप सब मुसलमान भाइयों और बहनों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत में मुसलमानों पर आजकल बहुत जुल्म हो रहा है, और वो ये भी नहीं देखते कि वो जिस पर जुल्म कर रहे हैं वो किस एज का है। चाहे वो बच्चा है, जवान है या बूढ़ा है, उन्होंने जुल्म करना है। तो इसी तरह हमारी आज की वीडियो जो है वो बड़ी ही हैरान कर देने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि एक तकरीबन जो 60 से 70 साल का जो बूढ़ा बाबा है, उसको भारत के लोगों ने कान पकड़ा कर उससे माफ़ी मंगवाई है। तो पहले मैं आपको उसकी वीडियो दिखाऊंगा, फिर उसके बाद जो है हम अली भाई की वीडियो देखेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि शिर्कस्तान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएँ, ताकि जब भी कोई नई वीडियो पब्लिश हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो को देखिए, यहाँ देख, सामने देख, इस बाबे की उम्र देख, यहाँ देख सामने, अस्तग़फ़िरुल्लाह, सारी दाढ़ी सुखा है। अली भाई की वीडियो बड़े गौर से सुनिए। दुनिया में किसी के साथ कोई ऐसा लेन देन करना है, किसी का हक दबाया हुआ है, तो दुनिया में मुआफी तलाफी कर लो, क्योंकि आखिरत के दिन दिरहम और दिनार नहीं होंगे। तुम्हें अपनी नेकियां देकर जान छुड़ानी होगी, और अगर नेकियां खत्म हो गई तो दूसरों के गुनाहों का वबाल उठाना होगा। ये सही बुखारी की हदीस है, और इसकी तफसील आई है सही मुस्लिम में, बड़ी मशहूर हदीस। नबी इस्लाम ने साहबा से पूछा, जानते हो मुफलिस कौन है? साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, हम तो उसी को मुफलिस समझते हैं जिसके पास दुनिया का माल मता ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क्यामत वाले दिन नमाज, रोजा, जकात, सारी बड़ी बड़ी नेकियां, एक एक नेकियां आपने गिनवाई, ढेरों ढेर पहाड़ों के बराबर लेकर आया, लेकिन इस हाल में आया कि दुनिया में किसी को गाली दी, किसी का खून बहाया, किसी को मारा पीटा, किसी का माल हड़प कर लिया, चाहे वो जमीन की शक्ल में किया या सोना चांदी की शक्ल में या करेंसी की शक्ल में। ये सारे हुकुली बाद वाले इश्यूज हुजूर ने गिनवा के कहा, वो सब के सब लोग आ जाएंगे अल्लाह की बरगाह में और कहेंगे, या अल्लाह आज तो हमें इंसाफ चाहिए। अल्लाह ताला फरमाएगा कि आज तो दिरहम और दिनार नहीं है, इस तरह करो, इसकी नेकियां लेनी शुरू कर दो। वो पहाड़ों जितनी नेकियां खत्म हो जाएंगी। अभी भी कुछ लोग बाकी होंगे जिनका उसने बदला देना होगा, वो कहेंगे या अल्लाह हम क्या करें, तो अल्लाह ताला फरमाएगा इसकी नेकियां तो होगी खत्म। अब इस तरह करो कि रिवर्स एक्शन स्टार्ट, तुम्हारे गुनाह इसके नामा माल में डाले जाएंगे और वो औंधा मुंह करके फिर जन्नत में फेंक दिया जाएगा। मैं गांधी साहब को सुन रहा था, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा, यहां पर लोग समझते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों का माल दबा लेंगे। सूरतुन निसा में है ना, जो यतीमों का माल हड़प करता है वो अपने पेट में दोजख की आग भर रहे हैं। वो लोग दुनिया में ये आग डॉर्मेंट पोजीशन में है, आखिरत में एक्टिव हो जाएगी। दुनिया में आप जुबान पे कोयला रखे हैं, जुबान जल जाती है, लेकिन हराम का माल रखें तो कभी नहीं हुआ कि आपको थूकना पड़ जाएगा, जुबान जल गई। क्यों? मोर और लास्ट दुनिया में एक्टिव नहीं है, वो आखिरत में एक्टिव होंगे। वो पेट में वही जहन्नम की आग बन जाएंगे जो दुनिया में पेट को नहीं जलाते, वहां को दुनिया में भी सजा मिल जाती है। जिसे नहीं मिली टेंशन ना ले, आखिरत की तो इससे भी ज्यादा सख्त है, बहुत सख्त मामला होने वाला है। तो उसे औंधा मुंह करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो यानी वो जो इधर लोग बड़ा इसे हल्का समझ रहे होते हैं ना कि खैर है, क्या हो गया, कोई मसला नहीं है, बड़ा हराम खाया, तो गांधी साहब ने जब उनसे ये बात हुई ना, तो उन्होंने कहा, लोग समझते हैं कि हम यतीमों का माल खाकर तो तहज्जुद के अगर पहले दो नफल पढ़ते थे तो चार शुरू कर देंगे, ये चार वाला छह शुरू कर देगा और मेरा वो माफ हो जाए, तो ऐसे नहीं होना। जाहिर हुकुली बात तो बंदों ने माफ करना है, अल्लाह ने तो माफ ही नहीं करना है, अल्लाह नहीं माफ करेगा जब तक बंदे माफ नहीं करेंगे। तो ये किसी के दिमाग में अगर है तो निकाल दे। सही मुस्लिम में यहां तक हदीस है कि क्यामत वाले दिन अगर दुनिया में किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा, तो अल्लाह ताला दोनों बकरियों को जिंदा करेगा और उनका भी बदला दिलवाएगा। सींग वाली का सींग गायब, और जिसका दुनिया में सींग नहीं था उसको सींग दिए जाएंगे कि आज तू बदला होता। अल्लाह ताला अदल फरमाने वाला, जहां पे बकरियों के साथ ये मामला हो रहा है वहां पे इंसानों के साथ क्या हो रहा होगा, सोचने की जरूरत है। कुरान में सईदा मरियम को तमाम जहान वाली औरतों पर फजीलत दी गई, तो इस कॉन्टेक्स्ट में सईदा फातिमा को कौन सी फजीलत हासिल होगी, वो बात तो हदीस में आई है। सईदा मरियम को अपने जमाने की औरतों पर फजीलत दी गई है, उस हिसाब से तो बनी इसराइल को कहा गया, या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। बनी इसराइल सारे जहान वालों पर तुम्हें फजीलत दी अपने जमाने में, आज क्या फजीलत है उनकी? आज फजीलत कुरान में आई है, दुरिबत अलैहिम ज़िल्ला वल मस्कना, उन पे जिल्लत और मस्कनत और अल्लाह का अजाब मुसल्लत अल्लाह ने कर दिया। वो उस जमाने के बनी इसराइल
अब तो बनू इस्माइल को अल्लाह ने चुन लिया, बनू इस्राइल से तो वो टाइटल छीन चुका। तीन किताबें आई, हजारों पैगंबर आए, अल्लाह ने उनको माजूल करके नई उम्मत खड़ी कर दी, तबीले किबला कर दिया। ठीक हो गया। तो सईदा मरियम अपने जमाने की औरतों के लिए, मेरा यूट्यूब पे क्लिप है, जन्नत जन्नतियों का सरदार कौन है, सैयदना हसन हुसैन के बारे में भी मैंने बताया, हजरत अबू बकर उमर के बारे में भी बताया, मौला अली के बारे में बताया, सैयदा फातिमा के बारे में भी, सैयदा खदीजा के बारे में भी, सैयदा मरियम के बारे में भी, वो सारा क्लिप मेरा आप देख लें, उसमें मैंने डिटेल से एक एक हदीस के नंबर बताए। सूरह आल इमरान में इमरान को खुशखबरी दी गई थी मरियम की, इमरान कौन है, जाहिर है जी इमरान को खुशखबरी दी गई है मरियम की, तो मरियम के बाप ही होंगे, उनके बाप है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना है इमरान, ठीक है, उन्हीं की बेटी है सैयदा मरियम, तो आले इमरान उन्हीं की औलाद को कहा जाता है। एक भाई को दीन की बात समझाई, वो उसे अच्छी ना लगी, अब क्यामत के दिन वो अल्लाह से कह सकता है कि उसने मेरा दिल दुखाया, सदके जावा, हाय हाय हाय, फिर तो सब तो ज्यादा तो दिल फिर अबू जहल ही दुखाया है, जिन्हों बार बार दावत दी गई है, जो अल्लाह की दावत देता है उस पर कोई नाराज होता है ना, तो अल्लाह ताला जिसने दावत दी है ना उसको क्या मतलब दिन उसके साथ मजाक कुर्सी करेगा कि यार तुझे मेरी वजह से गालियां खानी पड़ी हैं, उन्हें क्या पूछना है। सुभान अल्लाह। हत्ता के कुरान पाक में आया, बड़ी सख्त आयत है, मैं कहता हूं कुरान पाक में चंद सख्त आयत में से है, सूरह जो सजदा है ना, पारा नंबर 21 के अंदर सूरह सजदा आयत नंबर 22 है, वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिहि थुम्मा अअरदा अन्हा, उससे बढ़कर जालिम कौन है कि जिसे उसके रब की आयत के जरिए नसीहत की जाए। तुसी कह रहे हो दिल दुखदा पिया, अल्लाह कह रहा है जब तू उन्हें समझा रहा है ना कि भाई अल्लाह के बंदे सीधे रास्ते पर आ, तो अल्लाह फरमाता है सुम्मा अअरदा अन्हा, और वो तुम्हारी बात ना सुने, इराज करे, इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, ऐसे मुजरमों से तो हम इंतकाम लेके छोड़ेंगे। कि जिनको ये नसीहत की जा रही है कि अल्लाह की तरफ आओ और आगे से आपकी बात नहीं सुन रहे, तुसी कह रहे हो दिल दुख रहा है, अल्लाह फरमा रहा है दिल दुखे ना, दिल ना करता गया मैं, देखो करता गया। जी तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अली भाई की जवाब अच्छे लगे होंगे, अली भाई के जो जवाब होते हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक होते हैं। वीडियो के स्टार्ट में हमने एक मुसलमान बुजुर्ग की वीडियो देखी जो कि इंडिया में है, और इंडिया के जो हिंदू हैं उन्होंने उनके नाउज बिल्ला कान पकड़ाए हुए और उनसे किसी बात की माफ़ी मंगवा रहे थे। अब पता नहीं इसके पीछे असल वाकया क्या है, लेकिन अगर उस बूढ़े की गलती भी है तो फिर भी जो है उसको इस तरह उस पर जुल्म करना जो है वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उसके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी आ चुकी है और वो कम से कम भी जो है वो 60 साल से ऊपर की उम्र का होगा। उसके बाद हमने अली भाई की वीडियो देखी जिसमें अली भाई ने हमें बताया कि अगर कोई किसी पर जुल्म करता है या किसी का माल खाता है तो आखिरत में उसका क्या हिसाब किताब होगा और अल्लाह के सामने उसका क्या हशर होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको अली भाई के जवाब अच्छे लगे, तो आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस्लाम को दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।